قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما ولعنة الله على اعدائي مجمعين من الجن والانس من الاولين والاخرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَهْلُ الْأُقْدَةَ من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكنهم ورزق توعا وتمتعه فيها طويلة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم respected brothers and sisters السلام عليكم ورحمه الله thank you very much for joining कल इस माह मुहर्रम लेक्चर सीरीज के पहले लेक्चर में हमने नीड ऑफ रिलीजन को डिस्कस किया था कि क्या हमें किसी दीन के कोई जरूरत भी है या नहीं डू वी रियली नीड रिलीजन तब हमने उसमें पॉइंट्स देखे थे कि सबसे पहले तो जो है एक ट्रैफिक सिग्नल जब बिना किसी सिस्टम के नहीं चल सकता तो ये पूरी कायनात ये पूरी दुनिया ये पूरी वर्ल्ड बिना किसी सिस्टम के कैसे चल सकती है सेकेंड पॉइंट हमने देखा था कि अच्छा चलो सिस्टम है लेकिन सिस्टम बनाएगा कौन अच्छा बुरा है वो डिसाइड कौन करेगा तो हमने देखा कि जिस तरह एक मोबाइल के मैन्युफैक्चर को मोबाइल के बारे में ज्यादा पता होता है उसी तरह जिसने हमें बनाया है वो हमारे बारे में हमसे ज्यादा जानता है तो इसीलिए कोई वो हो जिसने हमें बनाया हो वो जो है हमारे लिए डिसाइड करे थर्ड हमने दीन इस्लाम क्यों होना चाहिए वो डिस्कस किया था उसके बाद हमने जो है डिस्कस किया था कि दीन इस्लाम का पर्पस क्या है कुरान मजीद क्या है कि जस्टिस को जो है कायम करना उसके बाद हमने पॉइंट देखा था कि लोग जो है दीन को हेट क्यों करते हैं रिलीजन को हेट क्यों करते हैं उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह इस्लाम के नाम को मिस यूज कर, कर इस्लाम के लॉज को मिस यूज कर, कर लोगों ने जो है दुनिया में इनजस्टिस फैलाया और इनजस्टिस की सबसे बड़ी मिसाल हमने देखी कि करबला में किस तरह नवासे रसूल इमाम हुसैन अल्लात वसलाम को जो है इनजस्टिस के साथ उनको और उनकी फैमिली को शहीद किया गया आज के लेक्चर में हम जो है तौहीद डिस्कस करेंगे अल्लाह की वहदानियत अल्लाह का एग्जिस्टेंस अल्ला गॉड का एग्जिस्टेंस गॉड का एक होना अभी कई लोग हैं जो खुदा में नहीं मानते जो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है कोई क्रिएटर नहीं है दुनिया अपने आप खल्क हुई एक्सीडेंट्स के थ्रू हुई और हम मर जाएंगे उसके बाद हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है खत्म हो जाएगा न कोई रूह है न कोई वो है ना कोई कयामत है कुछ नहीं कोई खुदा नहीं कोई लॉ नहीं बस हम पैदा हुए हम खाए पिए हमने काम किया हमने मस्ती की मजाक की जिंदगी खत्म हो गई हम चले गए लेकिन अगर इंसान अपनी अक्ल से सोचे इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करे तो लॉजिकली कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि यकीनन कोई ना कोई खुदा है कोई ना कोई बनाने वाला है हमारे एक बहुत बेहतरीन आलिम दीन गुजरे हैं। एक बार एक एथिस्ट आया और उसने जो है ये लोगों में फैलाना शुरू किया कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता कोई बनाने वाला है जो है एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया अपने आप आई है हमारे आलिमीन के सामने क्वेश्चन आया बादशाह ने दरबार में कहा कि भाई ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा लोगों के बीच फैल जाएगा मेरी कुर्सी तकलीफ में आ जाएगी उसने से डिस्कस किया हमारे जो आलिमुदीन थे बैत की जो दर है वहां से इल्म हासिल किए हुए उन्होंने कहा कि मैं जो है कल दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है तुमको दरबार में आकर इसका जवाब दूंगा या कोई पर्टिकुलर जगह पे आकर तुमको इसका जवाब दूंगा ठीक है शायद से ये आलिम दीन अला थे एम नॉट श्योर मैं इंशाल्लाह कंफर्म करूंगा अब अगला दिन आया वो स्पेसिफिक टाइम आया वो स्पेसिफिक जगह पे हमारे आलिम दीन पहुंचे नहीं अब एथिस्ट ने बोला भाई चलो लेट हो गए होंगे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है एक घंटा दो घंटा काफी टाइम गुजर गया हमारे पहुंचे ही नहीं अब को लगा भाई, ये जो है आने वाले नहीं है चले गए थोड़ी देर में आलिमुद्दीन पहुंचे क्या हो गया भाई आप लेट हो गए आप कब आने वाले थे आप कब आए बोले मैं आ रहा था तो बीच में नदी आती है मेरे रास्ते में तो अब जब मैं आ रहा था तो मैं रुका था कि मेरे लिए बोट आएगी तो मैं उसमें बैठ कर जाऊंगा लेकिन कोई बोट अवेलेबल नहीं थी तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए अब तो मैं सोच रहा था उतनी देर में अचानक मैंने देखा कि आसमान से कुछ लकड़े गिरे ऑटोमेटिक लकड़े आसमान से और खिल्ले गिरे नेल्स जो होते ना जो ठोकते जिससे एक शिप बनती है और सारा सामान गिरा जिससे जो है शिप बनती है और अचानक सारे लकड़े ऐसे एक साथ एक पर्टिकुलर सही शेप में फॉर्म होने लगे बोट बनने लगी बराबर जो नील्स थे अपनी जगह पे बैठ गए जो जहां होना चाहिए था वहीं हुआ कोई मिस्टेक नहीं और पूरी बोट ऑटोमेटिक बन गई और फिर मैं उसमें बैठ गया क्या आप क्या आप बात कर रहे हो आप क्या आप क्या आप बोल रहे आप, हो आप ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है क्या आसमान से ऐसी ऑटोमेटिक नाव गिरे लकड़े गिरे खील बने सब ऑटोमेटिक सही हो और बोट भी बन जाए तो ये हमारे आलिम दीन ने कहा कि जब तुम्हारे अकल में ये नहीं बैठ रहा एक छोटी सी बोट ऑटोमेटिक नहीं बन सकती तो ये तुम किस दावे से कहते हो कि पूरी दुनिया इतनी ब्यूटिफुल इतनी ऑर्गेनाइज के भाई आसमान जो है आसमान में बादल आते हैं पानी बरसाते हैं फिर जो है सीजन अलग अलग होती है दिन रात बराबर टाइम पे चल रहे हैं और सारे इंसान सारे जानवर सब प्लांट्स है सबका एक अपना सिस्टम है तो तुम जब एक छोटी सी बोट जो तुम कह रहे हो तुम्हारे अकल में नहीं बैठती कि अपने आप बन सकती है तो तुमको ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी दुनिया इतनी ऑर्गेनाइज अपने आप बन गई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि अगर हम सोचे मैं बोलूं कि भाई ये जो बुक शेल्फ मेरे पीछे है ये ऑटोमेटिक बन गया मैंने इसको कुछ नहीं किया पॉसिबल है क्या किसी के किसी के जहन में, किसी के ज़हन में में बैठता ही है कि ऑटोमेटिक बन गया कोई जो चीज़ है जब हम आसपास हमारे देखते हैं कोई भी चीज हो शर्ट हो बुक शेल्फ हो कुछ भी हो जब हम देखते हैं हमें पता है कि यकीनन इसका कोई बनाने वाला है राइट right? कोई भी चीज बिना किसी बनाने वाले के नहीं बनती तो क्या ये पूरी दुनिया ये पूरी कायनात इतना पूरा सिस्टम जो चल रहा है प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में सही से रोटेट कर रहे हैं गर्मी ठंडी बारिश सारी सीजन जो आ रही है क्या है किसी बनाने और चलाने वाले के बिना ऑटोमेटिक ऐसे चल सकते हैं कोई सिस्टम यकीनन, लॉजिकली हमें ये प्रूव होता है कि जब इतना सब सिस्टम हम आसपास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है इसको यकीनन कोई ना कोई है जिसने इसे बनाया है कोई ना कोई है जो इसे चला रहा है राइट right? क्लियर है ये point के यकीनन कोई ना कोई, कोई बनाने वाला है अब आता क्वेश्चन चलो अब हमने मान लिया कि भाई यकीनन कोई ना कोई, कोई बनाने वाला है तो हम उसको देख क्यों नहीं सकते वाई कांट वी सी गॉड हम खुदा को क्यों नहीं देख सकते यार मैं अगर मेरे मॉम डैड को देख सकता हूं मैं मेरे भाई बहन को देख सकता हूं मैं जो है आसपास दोस्तों को देख सकता हूँ बिल्डिंग देख सकता हूं जो है हर चीज देख सकता हूँ तो मैं खुदा को क्यों नहीं देख सकता फॉर एग्जाम्पल ये जो है बुक यहां पर रखी हुई है राइट right? अब ये जो बुक है ये इस लाइब्रेरी की मोहताज है ये इस बुक शेल्फ की मोहताज है राइट right? अगर ये बुक शेल्फ ना रहे तो ये बुक गिर जाएगी राइट कोई भी चीज आप देख लो जो आपके सामने है अगर नीचे कुछ जमीन हो या कोई बुक शेल्फ हो या कोई एरिया हो जिस पर वो रखी हुई है मैं खुद मैं यहां बैठा हुआ हूं राइट मैं इस जगह का मोहताज हूं आई नीड दिस प्लेस जबकि खुदा किसी चीज का मोहताज नहीं हो सकता नहीं तो वो चीज खुदा से ज्यादा अफजल हो जाएगी कि उसने खुदा को संभाल के रखा है राइट अगर ये चेयर यहां ना हो ये बैठने की जगह यहां ना हो तो मैं नीचे गिर जाऊंगा राइट फिर भी मैं जमीन का मोहताज हूं आई नीड प्लेस टू सिट मुझे किसी जगह की जरूरत है खुदा वो बींग है के जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है अल्लाह समद लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने सूरह तौहीद की तिलावत की बिस्मिल्लाह है रहीम कुल कह दो हुवल्लाहु अहद के वो अल्लाह एक है अल्लाहु समद अल्लाह जो है बेनियाज है चीज़ों से अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल कुफुवन अहद तो अल्लाह कुरान में क्लियर कर देता है कि अल्लाह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और लॉजिकल बैठता है दिमाग में भी क्या खुदा को किसी चीज की जरूरत अगर होगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि खुदा जो है एक कुर्सी पर बैठा हुआ है अर्श और कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो वो अर्श जो है वो खुदा से अफजल हो जाए खुदा का वेट संभाल के रखा है लेकिन खुदा किसी चीज का मोहताज नहीं है तो अगर कोई चीज आपके सामने रखी है तो वो आपकी आंखों के अंदर हो जाएगी वो लिमिट हो जाएगी और खुदा जो है लिमिटलेस है खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं है इसीलिए जो है हम खुदा को नहीं देख सकते फिर क्वेश्चन आता है अच्छा ठीक है कि भाई चलो तो फिर मैं कैसे मानू के खुदा दिखता नहीं है तो मैं खुदा को मानू कैसे आप सांस ले रहे हो राइट आपको ठंड लगती है कभी कभी हवा चलती है आप हवा को देख सकते हो नहीं ना इधर जनाब बहलोले दाना का एक बहुत मशहूर वाक है बहुत फेमस स्टोरी आप सबने सुनी होगी बट स्टिल जनाब ए बहलोले दाना जो थे एक बार जो एहले सुन्नत के इमाम है अबू हनीफा उन्होंने कहा कि मैं जो है इमाम जाफर सादिकम की तीन चीजें मेरे समझ में नहीं आती पहली चीज के अगर खुदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता वो कहते नहीं दिखाई देता मैं मुझे समझ नहीं आता दूसरी चीज वो कहते हैं कि शैतान आग से बने तो आग और कयामत में उसे जहन्नम में डाला जाएगा तो आग आग को कैसे जला सकती है और तीसरी जो कराता है, कराता है। अब वो कहते थे कि जो कराता है अल्लाह कराता है इनशाला मदल के डिस्कशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये जब सब बता रहे थे जनाब वे भोले ताना ने एक पत्थर लिया सीधा जो है फेंक के सर पे मारा उनको लगा गए बादशाह के पास के ऐसा बहुल ने किया बादशाह ने बोहलोल को बुलाया जनाबी बहुल दाना को भाई क्यों किया कहा आपको लगा बोले हाँ मुझे लगा तो बोले क्या हो रहा है बोले दर्द हो रहा है बोले दर्द दिखाओ बोले क्या बात करते हो दर्द कैसे दिखाया जा सकते हैं? बोले जब दर्द है और नहीं दिखता फिर भी तुम मानते हो कि दर्द है तो उसी तरह खुदा है दिखाई नहीं देता लेकिन खुदा है दर्द को महसूस किया जाता है उसी तरह खुदा की एग्जिस्टेंस को खुदा की मौजूदगी को भी जो है हम एहसास करते हैं हम यकीन करते हैं कैसे आसपास जब हम सिस्टम देखते हैं हम अपने आप को देखते हैं कितने वेल प्लेस्ड आंखें इधर नाक इधर कान इधर मुंह इधर सोचो आंखें घुटने में होती तो फुटबॉल क्रिकेट खेलते खेलते आंख बार बार फूट जाती राइट अल्लाह ने कितने सिस्टम से बनाए हैं सब सेकेंड क्वेश्चन के कुरान में है कि इंसान को जो है मिट्टी से बनाया गया है और बोले मैंने भी एक मिट्टी मारी तो मिट्टी मिट्टी को कैसे लग सकती है और तीसरी उन्होंने कहा कि तुम ही कहते हो कि जो कराता है अल्लाह कराता है तो मैंने नहीं किया अल्लाह ने किया जाओ अल्लाह को पकड़ो तो हमारा जो पॉइंट था कि खुदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता तो बहुत सारी चीजें हवा चलती है हवा हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हवा हम महसूस करते हैं राइट सो अल्लाह जो है उसी तरह जिस तरह ये सारी मखलूक ये सारी क्रिएटेड थिंग्स हमें फील होती है लेकिन हम देख नहीं सकते उसी तरह खुदा भी है जिसे हम फील नहीं कर सकते लेकिन हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसकी मौजूदगी का उसके एग्जिस्टेंस को फील करते हैं अब क्वेश्चन आता है कि चलो मान लिया कि खुदा है और खुदा दिखाई नहीं देता क्वेश्चन आता है अल्लाह एक क्यों है भाई खुदा एक क्यों है बहुत सारे खुदा क्यों नहीं ऑल मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा क्वेश्चन खुदा एक क्यों है फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल्स जब आप ऑफलाइन सब क्लासेस अटेंड करते थे तो स्कूल में क्लास में मॉनिटर्स होते थे राइट right? अब कई बार क्या हो सकता है कि दो जन को मॉनिटर बनाया राइट क्लास का मॉनिटर के क्लास को संभाले अब ये जो दो मॉनिटर्स हैं इन दोनों की नहीं जमती क्या होगा एक मॉनिटर अगर कुछ काम करेगा दूसरा जो है उसको नलीफाई कर देगा उसको कैंसिल कर जाएगी नहीं मैं ये ऐसे बोल रहा है तो मैं ऐसे बोलूंगा राइट कहीं भी हो सकता है कोई क्रिकेट टीम में भी हो सकता है कि दो कोच है एक कोच ये बोल रहा है एक कोच ये बोल है क्लास में भी हो सकता है दो टीचर्स एक टीचर ये बोल रहे एक टीचर वो बोल रहे तो अगर हम सिंपल बेसिक में देखें कि अगर एक सिस्टम को दो या तीन जन अगर हो चलाने वाले तो सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होंगे सबकी अपनी अपनी सोच होगी अपना अपना सिस्टम होगा और उस वजह से क्लैश होगा राइट सोचो अगर एक से ज्यादा खुदा होते एक खुदा कहता है कि बारिश करना है दूसरा खुदा कहता नहीं मुझे धूप करना है क्या हो जाता दुनिया का इसीलिए ये एक एक छोटा सी आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए ऐसे डीप डिस्कशन में जब आप ज्यादा तोहित के बारे में पढ़ेंगे तो और सारे पॉइंट्स आएंगे कि जो प्रूव करते हैं कि खुदा एक है और खुदा का एक होना क्यों जरूरी है एक छोटा सी पॉइंट है जो लेक्चर में हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं ज्यादा पॉइंट्स कवर नहीं किया हूं ये एक पॉइंट हम हमारी लॉजिकल समझ सकते हैं कि सिस्टम को चलाने के लिए एक वाहिद खुदा की जरूरत है अल्लाह सुबह मजीद में जिस आयत की मैंने तिलावत की कुल अहद कह दो कि अल्लाह एक है अल्लाह ने कर्न मजीद में क्लियर लिखा है और हमारे लॉजिक में भी बैठता है कि खुदा का एक होना जरूरी है अब क्वेश्चन आता है कि चलो मान लिया कि खुदा है मान लिया कि हम खुदा को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसकी होने का एहसास हमें होता है मान लिया कि एक ही खुदा है लेकिन मैं खुदा में क्यों मानूं? मैं दीन को फॉलो क्यों करूं चलो मान लिया है है तो है मैं लेकिन मैं फॉलो क्यों करूं जिस खुदा ने हमें बनाया है फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है राइट right? आपके बर्थडे पे आपके फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स आपके डैडी मम्मी आपको एक छोटा सी गिफ्ट देते हैं राइट right? जब आपको वो गिफ्ट देते तो आप उन्हें क्या कहते हो थैंक यू कहते हो राइट right? कि किसी ने आपको अगर कोई गिफ्ट दिया है तो आप उससे थैंक यू कहते हो अब वो खुदा कि जिसने हमें हल किया जिसने हमें ये लाइफ दी जो जो एयर में हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी कंपोजिशन है राइट right? वो उसका बैलेंस बना कर रखा है दिन सही हो रहा है रात सही हो रहा है हम सांस ले रहे हैं, हमारा दिल चल रहा है हमारे बॉडी के अलग अलग इंटरनल पार्ट्स चल रहे हैं, हमारी जबान चल रही है इतने सारे अल्लाह की का कभी जो है हम शुक्र अदा नहीं कर सकते तो अगर कोई आपको जिंदगी किसी ने आपको जिंदगी दी है राइट वो खुदा जो आपकी जिंदगी को चला रहा है जो आपका रिस्क आप तक पहुंचा रहा है तो क्या हम उस खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते और जो क्वेश्चन है कि हम जो है क्यों रिलीजन को फॉलो करें उसे हमने कल के डिस्कशन में देख लिया कि क्यों हमें दीन की जरूरत है सिस्टम की क्यों जरूरत है अगर आपने नहीं सुना ऊपर लिंक पर जो है लास्ट लेक्चर की लिंक है या नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके उस लेक्चर में देख सकते हैं तो इससे क्लियर होता है कि खुदा में मानना हमारे लिए जरूरी है राइट हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है राइट कभी हम अकेले होते हैं अपने गुनाहों से परेशान होते हैं अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाह कुरान मजीद कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अगर मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे तो कहो कि मैं करीब हूँ मांगने वाले की दुआ को सुनता हूँ और उसे कबूल करता हूँ मुस्तजाब करता हूँ अल्लाह करीम है अल्लाह की अल्लाह जहाने मजीद में दूसरी ऐत में फरमाता है ल इन शकर तुम अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हारी में जो है इजाफा करूंगा ज्यादा करूँगा अल्लाह ने कई लोग हैं बेचारे किसी के पास हाथ नहीं है किसी को आइस की प्रॉब्लम है कोई सुन नहीं सकता कोई बोल नहीं सकता कोई देख नहीं सकता कोई चल नहीं सकता किसी के पास हाथ नहीं है किसी के ब्रेन में कोई इश्यू है किसी को कोई बीमारी किसी को कोई बीमारी अगर अल्लाह ने हमें सही और सालिम रखा है तो क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अल्लाह अगर कहता है कि सत्रह नमाज़ है तो मेरे पास आओ मिनट, पूरे चौबीस घंटे में से सिर्फ सत्रह मिनट तुम मेरे पास आओ और नमाज अदा कर, कर मेरे शुक्रिया अदा करो और इसका भी फायदा अल्लाह को फर्क नहीं पड़ने वाला अलव की हदीस है कि अगर पूरी दुनिया सारे लोग अल्लाह में नहीं माने तो भी अल्लाह की खुदाई में फर्क नहीं पड़ेगा और अगर सारे लोग अल्लाह में मानने लगे तो भी अल्लाह की खुदाई में जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो खुदा है लोग उसमें माने ना माने उसी तरह जिस तरह अमीर उल्मी इमाम अली अलीबन अबी अलैहिस्सलाम के बारे में है कि लोग चाहे उनको अमीर उल्मी माने या ना माने उनको पहला इमाम माने या ना माने उनसे उनकी अजमत में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा एटम जितना भी फर्क नहीं पड़ेगा वो अमीर थे अमीर है और अमीर रहेंगे और उनका कोई सानी नहीं है कमिंग बैक टू द टॉपिक अल्लाह कहता है ल इन शकर तुम लजीद तुम मेरा शुक्रिया अदा करो तो मैं तुम्हारी मत में इजाफा करूंगा तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उस खुदा में माने उसके दीन को माने के जिसने हमें खल किया है उसकी कही बातों पर अमल करें नमाज का वक्त हो तो वाजिब नमाजें अदा करें मुस्तहब अगर कर सकते तो मुस्तहब भी करें जब रमजान आए तो रोजे रखें जब हमारी इस्तात हो तो हज करें जब हम पर वाजिब हो जाए तब हम जक़ात दें जब खुम्स वाजिब हो तो खुम्स अदा करें जो भी और चीज़ें हैं जो दीन की जरूरियात है तो खुदा में मानना और रिलीजन को फॉलो करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी को एक करता है हमारी जिंदगी को एक सिस्टम देता है एक रिलिजन हमारा दीन है इस्लाम अब जब खुदा को जो है लोग खुदा के बारे में बिलीफ अपना सही नहीं रखते तो क्या होता है जब तोहीद इंसान की वीक हो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई खुदा में ना माने राइट? Right? उसको पता है कि वो उस दुनिया में कुछ भी करे उसे ऐसा लगता है कि उसका कुछ नहीं होगा तो फिर चाहे वो किसी और का पैसा लूट ले चाहे किसी और को कत्ल कर दे चाहे किसी पर जुल्म करे इनजस्टिस करे उसको लगता है कि उसका कोई हिसाब नहीं होने वाला उसका कोई देखने वाला नहीं है वो दुनिया में आया खाया पिया लोगों पर जुल्म किया और चला गया लेकिन अगर कोई शख्स खुदा में मानता है कि कोई खुदा है कि जो मुझे देख रहा है दो स्टोरीज़ जल्दी से एक स्टोरी जो है ये है कि एक, एक बार अमीर इमाम अलीब ने अबी तौल सलासलाम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं जो है खुदा में नहीं मानता ठीक है खुदा में नहीं मानता नहीं मानूंगा बोले नहीं मानूंगा बोले क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं खुदा में मानूं या नहीं मानू अमीर मोमिन ने कहा कि देखो सिंपल है तुम खुदा में नहीं मानते मैं खुदा में मानता हूं अगर कयामत जो मैं मानता हूं हुई चलो अगर नहीं हुई तो तुम खुदा में नहीं मानते तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं है और मैं खुदा में मानता हूं मेरा भी कोई नुकसान नहीं क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है एट द एंड लेकिन अगर जिस तरह मैं मानता हूं कि कयामत का दिन होगा जब खुदा हमारा हिसाब करेगा तो मैं तो खुदा में मानता हूं लेकिन तुम खुदा में नहीं मानते तो अगर दोनों मानते हैं लेकिन कुछ नहीं होने वाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन मैं मानता हूं और तुम नहीं मानते और जो मैं मानता हूं अगर सच हो गया खुदा है तो उस दिन तुम क्या करोगे दूसरी स्टोरी एक बार एक क्लासरूम में एक टीचर ने सबको एक एक एप्पल दिया और कहा कि इसे ऐसी जगह पे खाना कि जहां कोई तुम्हें देख ना रहा हो दूसरे दिन जब सब आए तो किसी ने कहा कि किसी ने बाथरूम में जाके खाया किसी ने रात को चद्दर के अंदर ऐसा करके खाया कोई जो है दूसरे एरिया में जाके खाया कोई बिल्डिंग के बेसमेंट में जाके खाया कोई टेरेस पे जाके खाया कोई रूम के अंदर खाया। सबने अपनी अलग-अलग अलग-अलग बताई एक लड़का एप्पल लेके आया भाई तुम क्यों लेके आए वापिस बोले मुझे कोई ऐसी जगह दिखी ही नहीं कि मेरा खुदा मुझे ना देख रहा हो इससे लेसन हमें क्या मिलता है खुदा हर जगह देखता है तो अगर इंसान को ये एहसास होगा कि मेरा खुदा हर जगह मुझे देख रहा है तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है बुरे कामों से रुक जाएगा स्मॉलेस्ट इसका, सीसीटीवी कैमरा जब कहीं पर सीसीटीवी लगा होता है तो लोग कितना संभल संभल के चलते कि हर सीसीटीवी में दिख जाएगा कुछ गलत क्लासरूम में स्कूल्स में जब पहले सीसीटीवी नहीं थे जब सीसीटीवी लगे तो ऑटोमेटिकली बोले कि अगर कुछ मस्ती की है तो कैमरे में दिख जाएगा टीचर आके पकड़ेंगे मारेंगे, राइट? सस्पेंड कर सकते हैं। तो जब हम एक छोटे सी सीसीटीवी से डरते हैं कि वो कोई हमें देख रहा है तो हमारा खुदा तो हमें ट्वेंटी फोर आवर्स देख रहा है तो अगर इंसान को ये हो जाए कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है बुरे कामों से रुक जाएगा इसीलिए खुदा में ईमान रखना देखो कितना जरूरी है ट्रैफिक सिग्नल है मैं बार बार ट्रैफिक सिग्नल के एग्जाम्पल दे रहा हूँ सॉरी बट वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल है ट्रैफिक सिग्नल होता है बहुत से लोग क्या करते हैं चलो सिग्नल है पुलिस वाला कोई खड़ा नहीं है सिग्नल रेड है फिर भी जो है कार भगा रहे और उसी जगह अगर कोई पुलिस खड़ी हो अगर ट्रैफिक पुलिस खड़ी है मालूम अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी तो कोई सिग्नल क्रॉस नहीं करता राइट जब सिग्नल रेड हो तो जब इंसान को ये फील हो होकर कोई देख रहा है तो ऑटोमेटिकली वो बुरे काम से रुक जाता है और इसीलिए जब खुदा के कंसेप्शन में खुदा के बारे में जो सोच है अगर इसको डिस्टॉर्ट कर दिया जाए इसमें सही से न माना जाए तो लोग ऑटोमेटिकली बुरे काम करने लगते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो खुदा में मानते हो बुरे काम नहीं करते लेकिन जो खुदा में मानते हैं और उनको ये एहसास है उनको यह फील है कि खुदा देख रहा है तो ऑटोमेटिकली बुरे कामों से रुक जाते हैं और जब इंसान को नहीं पता नहीं मानता इंसान कि कोई खुदा है जो उसे देख रहा है तो इंसान अपनी बैड एक्शन में लेवल्स पार कर सकता है हिस्ट्री में हम देखते हैं कई लोग हैं, कई लोग हैं और प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कितने लोग दूसरे लोगों के पैसे ले लेते हैं कितने लोग दूसरों को कत्ल करते हैं मजलूम लोगों पर जुल्म करते हैं लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि कोई खुदा है जो उन्हें देख रहा है और जुल्म की इंतहा मैदान करबला हिजरी में हुई जब इमाम हुसैन आज दो मुहर्रम है इमाम कर्बला के मैदान में पहुंच गए आज के दिन इमाम हुसैन ने जो है कूफ, मक्के से निकले कूफे की तरफ बढ़ रहे थे रास्ते में जनाब हौर इब्न रिया ने जो है उनका रास्ता रोका जियाद ने जनाब हुर को भेजा था और कहा इमाम हुसैन का रास्ता रोको जब जनाब हुर इबन यजीद ये वो यजीद के बेटे नहीं थे उनके वाले, जनाब हर के वालिद का नाम भी यजीद था खलीफा यजीद के बेटे नहीं थे वो जनाब हर जो है जब अपनी आर्मी को लेकर पहुंचे तो उनकी गर्मी की वजह से जो है उनकी लोगों की और उनके जो हॉर्सेस थे उनकी ज़बानें प्यास की वजह से बाहर निकली हुई थी इमाम हुसैन ने कहा सबसे पहले इन सबको पानी पिलाओ किसी ने कहा इमाम हुसैन तो है, है इमाम हुसैन ने कहा इंसानियत सबसे ऊपर है चाहे इंसान कितना भी बुरा हो लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर आती है चाहे वो मुझे लड़ने आए मुझसे कत्ल कर इमाम हुसैन को पता था कि कुछ दिन बाद मैदान करबला में उन्हें तीन दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा लेकिन ये जानकर भी इमाम हुसैन ने अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ी सबसे पहले इमाम ने सबको पानी पिलाया फिर जनाबे होर ने कहा कि मुझे इब्न जियाद ने भेजा और कहा कि आपका रास्ता रोको इमाम हुसैन आसलाम जो है ने कहा कि मुझे कोफे वालों ने दावत दी है कहा कि अब इब्नि जियाद जो है वहां का हाकिम है और कूफे में जो है आपका चाहने वाला कोई नहीं आप हमारे साथ कोफा चले लेकिन इमाम हुसैन असलाम जो है नहीं माने जनाब खुर ने जो है उनके घोड़े की लगाम को पकड़ लिया जो घोड़े का जो वो होता है जिससे वो चलते हैं वो घोड़े का पकड़ लिया उस जमाने में घोड़े की लगाम पकड़ना मतलब कि किसी का कॉलर पकड़ने जैसा लेवल था जनाब अब्बास बाबल हवाए जबल फजील अब्बास को जलाल आ गया उन्होंने हाथ तलवार के कब्जे पर भाज गया इमाम हुसैन ने उनको रोक दिया जनाब खुर से कहा इमाम हुसैन ने कि लगाम छोड़ दो तुम्हारी माँ तुम्हारे गम में बैठे अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो हुर ने कहा कि बीबी फातिमा जहरा सलाम्ह आपकी वालदा है इसीलिए मैं आपकी वालदा की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता और इमाम हुसैन से हुर की जो अटैचमेंट हुई वो बीबी फातिमत जहरा सलाम्ल से हुई बीबी जहरा सलाम्हल की जो रिस्पेक्ट थी जनाब हुर के दिल में उसने ही जनाब खर को जो है लेकर आई दो मुहर्रम इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे उनका घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था रवायतों में इमाम हुसैन ने सात घोड़े बदले सेवन हॉर्सेस लेकिन घोड़ा कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था इमाम हुसैन उतरे उन्होंने कहा इस जमीन को क्या कहा जाता है किसी ने कहा नैनवा कहा जाता है किसी ने कहा तफ कहा जाता है किसी ने कुछ और नाम कहा इमाम हुसैन पूछते गए पूछते गए पूछते गए किसी ने कहा मौला इसे करबला भी कहते हैं इमाम हुसैन ने कहा बस यही हमारा मकाम है मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसी सरजमीन पर हमारा खून बहाया जाएगा हमें कत्ल किया जाएगा दो मुहर्रम इमाम हुसैन आसम के खैमे फुराद के पास लग चुके थे इमाम हुसैन खैमे लगाए हजरत अब्बास लगा ने खेमे लगाए और सारे लेडीज को जो है सही से जो है अंदर रख दिया गया लेकिन कुछ दिनों बाद उमर इबन साद और शिमन जोशन करबला पहुंचे और उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन आल्लाम से कि खैमे जो है नहर फुरात से हटा दो दूर कर दो बाबल हवाए जबल अलफिल अब्बास को जलाल आ गया उन्होंने अपनी तलवार से जमीन पर एक लाइन खींची और कहा हिम्मत हो किसी में तो लाइन क्रॉस करके आए क्योंकि बाबल हवाए जबल फजल अब्बास को बचपन से कहा जा रहा था कि अब्बास को करबला के लिए बनाया गया है जब अमीर उलमिन इमाम अली अलियब ने तालिब तारिबल्लम को इबन मुल ने सर पे जरबत मारी बाबल हवायच को बहुत जला लाया इमाम हुसैन ने रोक दिया कहा अब्बास अभी करबला नहीं आई उसके बाद इमाम हसन आसम के जनाजे पे तीर चले बाबल हवैज को जला लाया तलवार के कब्जे पर हाथ पहुंचा लेकिन इमाम हुसैन ने रोक दिया कि अब्बास अभी करबला नहीं आई जनाब हुर ने जो है इमाम हुसैन आसलम की शान में गुस्ताखी की बाबल हवाइज का हाथ तलवार के कब्जे पर पहुंचा इमाम हुसैन ने कहा अभी करबला नहीं है मदीना में मरवान हकम ने इमाम हुसैन की दरबार में गुस्ताखी की उनकी शान में बाबल हवाइज फिर से जलाल में आ गए इमाम हुसैन ने फिर रोक दिया लेकिन अब करबला आ चुकी थी इमाम हुसैन बीबी जैनब सलाम्ला के खैमे में गए अपनी बहन के पास और कहा कि बीबी अब जो है मैं बाबल हवाइज को नहीं रोक सकता अब्बास को नहीं रोक सकता मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बीबी जैनब सलाम्ह ने बीबी फिजा सलाम्ला को भेजा और कहा कि अब्बास को कहो कि मैं बुला रही हूँ बीबी फिजा ने कहा कि शहजादी बुला रही है बाबल हवाइज ने तलवार को न्याम में रखा आगे बीबी की खिदमत में कहा कहिए फरमाइए क्या हुक्म है मेरे लिए शहजादी बीबी जैनब सलाम अल्लाह ने कहा कि अब्बास इमाम वक्त चाहते हैं कि तुम खे हटा दो मसले हत इमाम है बाबल हवाए जबल फजल अब्बास ने उनकी उनकी देखो कि इमाम की तरफ उनकी जो है अटैचमेंट और उनकी फॉलोइंग कितनी थी कि इमाम ने कह दिया खेमे हटा दो तो हटा दो उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया क्यों कैसे कभी मैं तो ऐसा मैं वैसा मैं सोच रहा था इमाम का हुक्म है मैंने सुना और मुझे करना है बाबल हवाए जबल फजल अब्बास ने सारे खेमों को जो है नहर फुरात से हटाकर इमाम के हुक्म पर दूर कर दिए वक्त गुजरता गया आशूर की शब या आशूर का दिन आ गया रवायतें अलग अलग हैं। दो मुहर्रम तो इमाम हुसैन सलाम जो है आ चुके थे लेकिन दो मुहर्रम को जब खै में डाले गए बीबी जैनब सलाम्ला ने इमाम हुसैन सलाम को बुला कहा कि भाई मैं जब से इस सरजमीन करबला बर आई हूं मुझे किसी बीबी के रोने की आवाज आती है

इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया जनाब हुर का भाई उनके पास आया और कहा कि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ इस हाल में क्या हो गया जनाब हुर ने उनके भाई को लिया और सुनाया कि देखो इमाम हुसैन आसलाम के खैमों से अलतश अलतश की आवाज आ रही है बच्चे पानी मांग रहे हैं और इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ इन सबको घेर कर, कर बला मैंने लाया मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं मैं जन्नत और जहन्नम के बीच में हूँ तो उनके भाई ने कहा क्या फैसला क्या कहा मैंने जन्नत में जाने का फैसला किया है जनाब होर इब्न यजीद रियाही जो यजीद की फौज के कमांडरस में से थे टॉप लेवल्स में से थे उन्होंने जो है थाउजेंड्स ऑफ फौज है लाखों की फौज है कुछ नंबर्स के हिसाब से यजीद की लाखों की फौज का कमांडर और सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 या 110 सिपाही कहां हजार और लाख और कहां 72 और 110 वन वन और अगर कोई कमांडर इन लाखों में से छोड़कर इन 72 के पास आ जाए तो सोचो कि वो उसने क्या सोचा होगा और क्या झिझोड़ा होगा उसने अपने आप को के उसे पता है कि वहां जाएगा तो वो शहीद हो जाएगा लेकिन उसे पता था कि वो सही रास्ते पर शहीद होगा जनाब हुर इमाम हुसैन अल्लाम की तरफ बड़े उनके भाई ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा उनके बेटे ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा उनके गुलाम ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा जनाबे हर ने कहा मेरी आंखों पर पट्टी बांधो मैं इमाम हुसैन की नजरों से नजरें नहीं मिला पाऊंगा जब वो लो लोग बड़े तो जनाबे के बेटे ने एक आवाज लगाई कहा क्या हो गया कहा जनाब अली अकबर हमारे इस्ताल में आ रहे फिर कुछ देर बाद फिर चिल्लाए कहा बाबल हवाए जबल फजल अब्बास आ रहे उसके बाद उसके बेटे ने जोर से चीख मारी जनाबे होर ने कहा आप क्या होगा कहा खुद इमाम हुसैन तुम्हारे बाल में आ रहे जनाब हुर इमाम के कदमों पर गिरे कि मौला क्या मेरी जो है क्या मेरी गुनाह माफ हो सकते हैं इमाम हुसैन आलाम ने कहा कि एुर तुम आजाद हो इस दुनिया में भी और आखिरत में मैंने और मेरे खुदा ने जो है तुम्हे माफ किया ये कर्म है इमाम हुसैन का ये अल्लाह जो खुदा है उसकी उसके नुमाइंदा है ये वो रहमान का नुमाइंदा है कि जो दिख रहा है जनाब हुर इमाम हुसैन आलम ने कहा कि माफ करना कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते हम तुम्हें एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते तुम ऐसे वक्त में हमारे मेहमान बन के आए हो जनाब जनाबे हुर ने कहा मौला शर्मिंदा कीजिए मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जो है आपकी तरफ से जो है अपनी जान निसार करू इमाम हुसैन ने कहा तुम मेहमान हो मेहमान को ऐसा थोड़ी कोई मैदान जंग में भेजता है तो इमाम हुसैन ने कहा तो जनाब हुर ने कहा कि मेरे बेटे को मेरी जानब से भेज दो जनाब हर का बेटा मैदाने जंग में गया और खूब लड़ा खूब लड़ा खूब लड़ा आखिरकार लड़ लड़ के जमीन पर गिरा जब जमीन पर गिरा तो उसने आवाज लगाई अपने बाबा को की मदद करो जनाब हुर से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब हुर के बेटे में पहुंचे जब जनाब हुर अलैहिस्सलाम के बेटे के पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे और उसने अपना दम तोड़ दिया जनाबे हुर ने चाह कि अपने बेटे के जनाजे को उठाए इमाम हुसैन ने कहा कि एहर क्या कोई जवान बेटे का लाशा कोई बूढ़ा बाप उठाता है मैं कहूंगा मौला हुसैन कुछ घंटों के बाद जब जनाब अली अकबर अट्ठारह साल के नौजवान आपका शहीद होगा मैदान करबला पे और आप जो है जनाब अली अकबर की लाश को उठा कर लाएंगे یا امام حسین啊 کتنے آپ کتنے مظلوم ہے الا لعنت الله على القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایما منقلبين انا لله وانا اليه راجعون رذن بقضائه وتسليما لامر يا میرے پروردگار ان مصائب امام حسین علیہ السلام کا واسینا سو کا واسطا ولی عصر حجت خدا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کے ظهور میں تاخیر فرما हम सब को इमाम असलम के नासिरीन में शुमार फरमा हम सब के ईमान को साबित कदम रख ए मेरे परवरदिगार इस दुनिया से इस डेंजरस बीमारी को इस करोना वायरस को ख़त्म फरमा ताकि हम आज़ादारी उसी शान और शौकत से कर सके जिस तरह पहले जो है इमाम हुसैन आसलम की आज़ादारी किया करते थे जिन लोगों के रिस्क के प्रॉब्लम है मेरे परविदगार उनके रिस्क के दरवाजों को खोलते जो बीमार हैं उनसे शिफाए कामिल आज लेना है हक के बीमारे कर बुला जिनकी जो जो हाजात हैं मेरे परवरदिगार उन सबकी हलाल हाजतों को उनके हक़ हाँ में बेहतर के लिए पूरा फरमा इमाम जमान के जहुर में ताजील फरमा हम सब को उनके नासन में शुमार फरमा इनशा कल इसी वक्त शाम पाँच बजे हम जो है अदल क्या है अदल खुदा क्या है उस पर हम लेक्चर जो है हमारा थर्ड लेक्चर ऑफ द सीरीज होगा इनशाला कल फिर मुलाकात करेंगे بوهوت بوهوت شکریہ فار جوائننگ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ واخر الدعوان الحمد لله رب العالمين مر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم